नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन सिनेरेरिया के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिनेरेरिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी में और काफ़ी छोटी मेडिसिन है। बहुत सारे सिम्टम्स नहीं है इसके, लेकिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये आँख के लिए। दोस्तों, सिनेरेरिया प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, जिसको आमतौर पे हम डस्टी मिलर भी बोलते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, जो कि माउंटेन एरिया में, हिली एरिया में पाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन, कि हमारे शरीर पर करती क्या है। उसके बाद में इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण बताऊँगा कि कौन कौन से लक्षण होंगे तो आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए, और सबसे लास्ट में बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी बीमारी में लेनी चाहिए और कैसे आप इसे यूज़ करें। तो सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन। सिनेरेरिया आँख के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो मोस्टली अगर आप इसे एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, मतलब बाहरी तौर पे एज अ आई ड्रॉप इसे यूज़ करते हैं, तो ये कैटरेक्ट, मतलब मोतियाबिंद के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और कॉर्नियल ओपेसिटी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको चश्मे लगते हैं और आपको चश्मा अपना उतारना है, आपका विजन अच्छा हो जाए, आपको धुंधला दिखता है, अगर आप सिनेरेरिया आई ड्रॉप डालेंगे तो धुंधला दिखना धीरे धीरे कम हो जाएगा, चश्मा उतर जाएगा और कैटरेक्ट ठीक हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसके लक्षण की तरफ, साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। सबसे पहले हेड से शुरुआत करते हैं, सिर से शुरुआत करते हैं। तो अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मतलब सिर दर्द होता है, बार बार होता है, 4-5 दिन में एक बार सिर दर्द होता ही है, खासकर अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं और पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करते समय आपका सिर दर्द बहुत ज़्यादा करता है। ये क्यों होता है? आँखों के कारण। आँखों से धुंधला दिखता है, आपको चश्मा लगता है, और आप चश्मा नहीं लगाते हैं या चश्मा लगाने के बाद भी आपका सिर दर्द करता है। दोस्तों, अगर आप सिनेरेरिया आई ड्रॉप का उपयोग करेंगे तो हेडेक भी ठीक हो जाएगा और जो ब्लर विजन है, जो धुंधला दिख रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। दूसरा जो लक्षण है वो है फीमेल्स के लिए, मतलब हमारी महिलाओं के लिए। दोस्तों, अगर फीमेल्स को मेंसेस नहीं आता है, मेंसेस रुक गया है, 2 से 3 महीने हो गए हैं, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो सिनेरिया लेने के बाद ब्लीडिंग होने लगती है। दोस्तों अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब आँखों की तरफ, जो कि ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आँखों के लिए। तो अगर आपको धुंधला दिखता है, अच्छे से दिखता नहीं है, आपकी पास की जो नज़र है वो भी बहुत कमज़ोर हो गई है, और जो दूर की नज़र है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, और जो सामने एक गोलाकार कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखता है, मतलब आपको फ्लोटर्स की भी प्रॉब्लम है, साथ में कॉर्नियल ओपेसिटी की भी प्रॉब्लम है, और अगर आपको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, मतलब आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, धुंधला दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे सामने कोई पर्दा लग गया हो, तो आपको सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये आँखों के लिए। दोस्तों, ये थे साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण। अब चलते हैं कि आपको कौन कौन सी बीमारी में सिनेरेरिया का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं फीमेल्स की तरफ, महिलाओं की तरफ। तो अगर आपको मेंसेस की प्रॉब्लम है तो सिनेरेरिया मदर टिंचर आप लगभग 5 से 10 बूंद आधे कप पानी में लें, और इसे दिन में 3 से 4 बार आप पिए। लेकिन आपको होम्योपैथिक बुक्स में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैंने बहुत पुरानी एक आयुर्वेदा की बुक पढ़ी थी पहले, तो उसमें ये लिखा हुआ था, और मैं अभी काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स को दे रहा हूँ, और सिर्फ 2 से 3 बार लेने से ही मेंसेस आ जाते हैं। साथ में पल्सेटिला भी यूज़ करिए। पल्सेटिला आप 1 mg पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली टंग में पीछे सुबह और शाम 2 दिन तक यूज़ करेंगे सिनेरेरिया और पल्सेटिला। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और मेंसेस आ जाएंगे। तो अब चलते हैं आँखों की तरफ। तो अगर आपको ब्लर विजन, मतलब धुंधला दिखता है, आपको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, आपको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, आपको ट्रैकोमा की प्रॉब्लम है, आपको कॉर्नियल ओपेसिटी की प्रॉब्लम है, दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया की प्रॉब्लम है, तो सिनेरेरिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सभी तरह की आँखों की बीमारी के लिए। आँखों में एज अ एक्सटर्नल मेडिसिन, एज अ आई ड्रॉप आप इसे यूज़ करें, और आई ड्रॉप बहुत सारी कंपनियों की आती हैं होम्योपैथी में, सिनेरेरिया नाम से तो कंफ्यूज ना हो, लगभग 2 से 3 कंपनियां बहुत ही अच्छी है। मैं मोस्टली जो है वो डॉक्टर रेकपैक की ही यूज़ करता हूँ। सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप
जो कि D2 नाम से आती है, विदाउट अल्कोहल वाली। मैं आपको पिक्चर लगाता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। इस आई ड्रॉप का आप उपयोग करें, कैटरेक्ट को छोड़ के सभी बीमारियों में इस आई ड्रॉप का आप उपयोग करें। 2 बूंद आँखों में डालें दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप अगर आप 2-3 दिन तक डालेंगे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप इसे 1-2 महीने लगातार कंटिन्यू करते हैं तो फिर धीरे 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 आपकी जो आँखें हैं वो स्वस्थ हो जाती हैं, आपका विजन अच्छा हो जाता है, आपका चश्मा उतर जाता है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और ग्लूकोमा ट्रैकोमा जैसी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं, फ्लोटर जैसी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती है। तो बहुत ही इफेक्टिव आई ड्रॉप है ये। साथ ही साथ अगर आपको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो, मतलब मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो, तो आप WSI की, मतलब विल्मर शॉबे की आई ड्रॉप यूज़ करें, सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप विथ एल्कोहल वाली। 2 बूंद आँखों में डालें दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। थोड़ा सा जलेगा लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कैटरेक्ट के लिए। तो धीरे 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 आपका जो मोतियाबिंद है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों कभी आपको अगर लग गया हो, किसी चीज़ से इंजरी हो गई हो आँखों में और उसके कारण आपको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम या अच्छे से आपको दिख ना रहा हो, ब्लर विजन की प्रॉब्लम हो, तो सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको कभी आँखों में लग जाता है। और अगर अभी लगा हुआ है और आँख पूरी लाल है तब भी आप सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं। सिनेरेरिया आपको एज आई ड्रॉप यूज़ करना है, 2 बूंद आँखों में दिन में 3 बार डालना है। बहुत पुरानी बीमारी है तो 3 से 4 महीने तक डालिए, अगर अभी आपके आँख में लगा है तो 2-3 दिन तक बस आप यूज़ करिए, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। हमेशा बाइक चलाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो एकदम से कुछ कीड़ा घुस जाता है आँख में या कुछ बालू जैसा कुछ घुस जाता है जिससे आँख बहुत ज़्यादा जलती है, चुभन होती है। सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप विदाउट एल्कोहल वाला, डॉक्टर रेकवेक वाला आप डालें 2 बूंद आँखों में और हर आधे आधे घंटे में 2-3 बार डालें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। दोस्तों लास्ट में अगर सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप आपके लिए बहुत महंगी पड़ रही है, मतलब जो विदाउट एल्कोहल वाली है वो 150 रुपये की आती है और जो विथ एल्कोहल वाली है वो लगभग 200 की आती है, तो अगर आपको महंगी पड़ रही है, आप रेगुलरली इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप गुलाब जल लीजिए, लगभग 30 ml गुलाब जल ले लीजिए, उसमें आप सिनेरेरिया मदर टिंचर डालिए, लगभग 30 बूंद डालना है तो 30 ml गुलाब जल में 30 बूंद सिनेरेरिया मदर टिंचर डाल दीजिए, उसको अच्छे से हिला लीजिए और उसमें ड्रॉपर लगा लीजिए और लगभग 6 से 7 महीने तक ये आराम से ये आई ड्रॉप चल जाती है। तो इसे भी आप आँख में डाल सकते हैं, सभी तरह की कंडीशन में ये इफ़ेक्टिव है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ही सस्ते। दोस्तों आँखों के लिए सिनेरिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, अमृत समान है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दे गया तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दे गया तो उसको दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको सारी बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे शेयर के बटन देखिए तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट में जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।